आइए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक बिल आप अपने से कैसे भरें। यदि आपका पुराना कनेक्शन है और कंज्यूमर नंबर नहीं पता है तो कैसे निकालें। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के गूगल में जाना होगा। गूगल क्रोम में जाने के बाद इसमें लिखना होगा, टाइप कीजिए साउथ। जैसे मेरा टाइप किया हुआ है, देख रहे हैं आप, पहले से ही टाइप किया हुआ है साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन। इस पर आप क्लिक करेंगे या आप टाइप करेंगे। जैसे ही आप टाइप करते हैं तो सबसे फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि क्विक बिल पेमेंट, तो इसमें आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस टाइप से साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का इंटरफेस ओपन होता है। इससे पहले नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लें। आगे के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखें। बहुत से व्यूअर का ऐसा होता है कि उपभोक्ता नंबर पता ही नहीं होता है, पुराना कनेक्शन होता है उसमें उपभोक्ता नंबर दिया हुआ नहीं होता, नया वाला में दिया होता है, तो कैसे निकालते हैं वो सारा मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। इसमें आपको करना क्या है कि साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन का इस तरह से आपका इंटरफेस ओपन होगा। तो देखिए यहाँ पर जितना भी देख रहे हैं ये साइड में, आप लेफ्ट साइड में, इसमें आपको जानना क्या है, नया कनेक्शन लेना है तो न्यू कनेक्शन में आप क्लिक करके न्यू कनेक्शन ले सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उपभोक्ता नंबर पता करें और अपने से बिल पेमेंट कैसे करते हैं। और मान लीजिए आपका पुराना है तो उपभोक्ता नंबर नहीं पता है, तो कैसे उपभोक्ता नंबर मालूम करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस जगह पर आप देख रहे हैं क्लिक हेयर टू नो योर सीए नंबर। यहाँ पर सीए नंबर के लिए आपको जो यहाँ पर डालना है सीए नंबर, यहाँ से आप पता कर सकते हैं। जिसका पुराना कनेक्शन होगा उसको यहाँ से पता कर सकते हैं। जैसे जी से स्टार्ट होता है GR 1220, इस टाइप करके जिसका होगा वो इसमें डालेंगे, क्लिक हेयर टू, यहाँ पे आप डालेंगे, इसमें क्लिक हेयर करना। जैसे मैं क्लिक करके आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं कि इस टाइप से इंटरफेस ओपन हुआ। आप देख रहे हैं इसमें आपको सबसे फर्स्ट में सिलेक्ट करना है डिवीज़न, फिर सब डिवीज़न, ओल्ड कंज्यूमर आईडी, तो ओल्ड कंज्यूमर आईडी इसमें डालना है। तो सबसे पहले हम अपना डिवीज़न सेलेक्ट करते हैं, तो डिवीज़न में मैं गया डिवीज़न से आता हूँ, तो अपना डिस्ट्रिक्ट का जो भी डिवीज़न होगा आप डालेंगे। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं गया डिवीज़न में आ रहा है यहाँ पर रूरल, आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर आर से रूरल हुआ, यू से अर्बन हुआ, तो आप किस में आते हैं, अर्बन होंगे तो इसमें क्लिक करेंगे, रूरल होंगे तो इसमें, तो हम रूरल हैं तो इसमें क्लिक करेंगे। इसके बाद आप नीचे में सब डिवीज़न का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पर सेकंड में सब डिवीज़न का ऑप्शन दे रहा है, तो इसमें क्लिक करेंगे सब डिवीज़न में, तो इसमें देख रहे हैं कि आपका डिवीज़न में रूरल में आ रहा है गया रूरल, मानपुर और टिकारी, तो हम टिकारी डिवीज़न से आते हैं, सब डिवीज़न से, तो टिकारी पे क्लिक करेंगे। जैसे इसमें क्लिक करते हैं तो ओल्ड कंज्यूमर आईडी आप जो कनेक्शन लिए उस पर दिया हुआ होगा, लेफ्ट साइड में ऊपर में GR करके स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले मेरा में डाला हुआ, तो देखिए मैं पहले से डाल रखा हूँ, टाइप कर रखा हूँ, तो मेरा यहाँ पे शो कर रहा है, देख रहे हैं GR 1220 30, यानी कि GR 1220 30, ये मेरा ओल्ड कंज्यूमर आईडी है। इसी के जरिए मैं नया CA नंबर पता करूँगा। तो जैसे ही मैं टाइप करता हूँ, आप लोग को कनेक्शन लेते टाइम होगा, लेफ्ट साइड में ऊपर देखिएगा उपभोक्ता नंबर लिखा हुआ होगा, उसमें यहाँ पे आपको टाइप करना होगा उसी को। तो जैसे ही टाइप करके यहाँ सर्च पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ सर्च, जैसे ही सर्च पर क्लिक करते हैं तो इस टाइप से मेरा न्यू कंज्यूमर आईडी दे देता है। देखिए रेड कलर में यहाँ पर लिख दिया न्यू कंज्यूमर आईडी, देख रहे हैं आप जैसा न्यू कंज्यूमर आईडी। इसको आपको सिंपली कॉपी कर लेना है, इस टाइप से कॉपी करेंगे। जैसे ही कॉपी करेंगे तो आपको स्क्रॉल करके लेफ्ट साइड में आना है। जैसे ही लेफ्ट साइड में आते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं उपभोक्ता नंबर डालने के लिए, तो सीए नंबर उपभोक्ता नंबर वही होगा कंज्यूमर, तो इसमें यहाँ पे आप डालेंगे। जैसे पेस्ट हम करेंगे, कॉपी करने पेस्ट करेंगे, जैसे ही पेस्ट करते हैं तो इस टाइप से मेरा ओपन होता है। तो इसके लिए आपको करना क्या, कॉपी करने के बाद एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, जैसा कि यहाँ पर हाईलाइट नहीं हो रहा है, आप देख रहे हैं कि सबमिट का जो ऑप्शन है हाईलाइट नहीं हो रहा, तो एक बार हम रिफ्रेश करेंगे। तो इसके लिए आपको एक बार इस टाइप से रिफ्रेश करना होगा या बैक कर जाना है। देखिए बैक करने के बाद इस टाइप से आपको आएगा, उसके बाद कॉपी जो किए हैं आप यहाँ से सीए नंबर, न्यू सीए नंबर, उसको आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे। देखिए मैं आपको पेस्ट करके बताता हूँ, इसमें या आप लिख लेंगे पेन से, उसको यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद यहाँ सिंपली आपको सबमिट पे क्लिक करना है, सबमिट पे क्लिक करते हैं तो इस टाइप से देखिए मेरा ओपन हो गया। देखिए यहाँ पर जो मेरा नाम है, यहाँ पर देखिए मेरा नाम दिखा रहा है, कंज्यूमर नेम, बिल का महीना नवंबर महीना में मैं चेक किया हूँ, फिर ड्यू डेट जो भी है, आपको कितना पे करना है, यानी कि मेरा 26574 रुपया पे करना है, फिर अमाउंट पेबल अप टू 10 दिन बाद करेंगे तो 26576 रुपया, फिर 10 दिन के बाद और करेंगे, इसमें सब दिया हुआ रहता है, 10 दिन प्लस करके आपको 26848 रुपया तक यहाँ शो कर रहा है। और यहाँ पर प्रीवियस में मेरा 00 अमाउंट दिखा रहा है, यानी कि मैंने पिछले कनेक्शन लिया हूँ जब से नहीं पैसा पे किया, इसीलिए मेरा प्रीवियस अमाउंट 0 दिखा रहा है। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ सिंपली आपको पे बिल पे करना है या व्यू बिल पे करना है। अगर पेमेंट करना है तो इस पर आपको क्लिक करना होगा पे बिल पे, अगर नहीं करना है तो व्यू बिल देख सकते हैं। तो हम व्यू बिल पहले देखते हैं, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। देखिए जैसा मैं डाउनलोड करके आपको दिखा रहा हूँ, देखिए मैंने डाउनलोड किया तो इस टाइप से डाउनलोड होने के बाद PDF में फाइल ओपन हुआ साउथ बिहार, देख रहे हैं डाउनलोड करने के बाद इस टाइप से PDF में ओपन हो गया है मेरा सब। देखिए यहाँ पर नाम मिला सकते हैं, एड्रेस, उसके बाद
कनेक्शन 1 3 फेज का है, रूरल है, 2 HP का है, मोटर का कनेक्शन लिया हुआ है, जो भी आपका डिवीजन हुआ डिवीजन है। और देखिए यहाँ पर मेन ये साइड में आइए वर्तमान बिल में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको 26,848 रुपये पेमेंट करना है। इसके बाद आपको इधर यूनिट दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं खपत विवरण कि आपका कैसे यूनिट उठ रहा है। तो 8,992 यूनिट मेरा नवंबर 2022 तक मेरा 184 जो खपत हुआ है वो मेरा यहाँ पर शो कर रहा है। उसके बाद बकाया राशि, यहाँ पर अन बकाया राशि देख रहे हैं, GST है, ये सारा डिटेल आप पढ़ सकते हैं इसमें। आप पूरा डिटेल आप डाउनलोड करके PDF पढ़ सकते हैं, इसको फोटोकॉपी भी निकाल सकते हैं। बाकी आपको दिखाता हूँ पेमेंट कैसे करना है। आपको पेमेंट करने के लिए सिंपली यहाँ पर बैक कर जाइए, जैसा कि मैं बैक कर रहा हूँ। बैक करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको इस टाइप से आ रहा है, तो यहाँ पर कन्फर्म पेमेंट का ऑप्शन दे रहा है। तो इसमें पेमेंट करने के लिए ईमेल आईडी भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, ऑप्शन दे रखा ऑप्शनल है, मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर बिल डेस आप कैसे करना चाहते हैं, गेटवे पेमेंट है, इसमें आप जो भी पेमेंट करना होगा जिस माध्यम से आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं पेमेंट मुझे करना नहीं है, अगर आपको करना होगा तो बिल डेस्क में जाकर यहाँ पर सिंपली आपको टाइप करना होगा इस टाइप से। आप कन्फर्म पेमेंट करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर दे रहा चार्ज अप्लीकेबल ऑन एवर गेटवे, यहाँ पर इस टाइप से मोबाइल नंबर जरूरी डालना है, मोबाइल नंबर आपको हर हाल में डालना होगा तभी आपका पेमेंट होगा। तो सिंपली आप मोबाइल नंबर टाइप जरूर करेंगे, ईमेल आईडी ऑप्शनल है, ईमेल आईडी आप देख रहे हैं ऑप्शनल है। इसके बाद आप पेयू से पेमेंट करेंगे, इसमें भी आपका मोबाइल नंबर मान लीजिए कुछ में मोबाइल नंबर डाल देते हैं, दे दीजिए 10 डिजिट का। इसके बाद हम कंफर्म करते हैं, तो देखिए इस टाइप से मेरा पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, पे नो जो भी मेरा अमाउंट है 26,848 रुपया ये यहाँ पर शो कर रहा है। इसके बाद पे नो पे क्लिक करके मैं पे कर सकता हूँ, यहाँ से आप पूरा इंट्रैक्शन पढ़ सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके पेमेंट का इंट्रैक्शन पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्लीज़ द साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन का ये साइट है, उस पर आप चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पर पे नो पे क्लिक करेंगे, जैसे ही पे नो पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप से प्रोसेस टू पेमेंट का आएगा, देख रहे हैं पॉपअप ओपन हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं ऑलवेज शो सॉरी, इस टाइप से आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपको पेमेंट करना है। तो मैं एक बिल डेस्क पर आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ से आपको बिल डेस्क पर कैंसिल कीजिए, कैंसिल पे करने के बाद बिल डेस्क पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कन्फर्म पेमेंट पे तो इस टाइप से आएगा। फिर पे नो नीचे में क्लिक करेंगे, पे नो यहाँ पर पे नो पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप से ओपन होगा, कुछ टाइम लेगा लेकिन आपको यहाँ पर आ जाएगा बिल डेस्क पर। आपको कार्ड नंबर अगर डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो यहाँ पर कार्ड नंबर डालें, महीना डालें, ईयर डालें, CVC नंबर एक होता है कार्ड पर दिया हुआ, फिर अकाउंट कार्ड नंबर जो कार्ड पर आपका नाम होगा वो नंबर डालें। उसके बाद सिंपली आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, फिर UPI के माध्यम से कर सकते हैं पेमेंट, नेट बैंकिंग के माध्यम से आधा डेबिट कार्ड, और उसके बाद डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। आपका टोटल अमाउंट यहाँ पर शो करेगा। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, हमें पेमेंट नहीं करना था तो मैंने नहीं किया, आप लोग को पेमेंट करना होगा तो यहाँ से करके आप रिसीव डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर YouTube चैनल, थैंक।